छत्तीसगढ़ में जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस का खास प्लान। छत्तीसगढ़ में नतीजों से पहले कांग्रेस को कौन सा डर सता रहा है? छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद अब हर किसी को सूबे की नई सरकार का इंतजार है। हालांकि बीजेपी जहां चौथी बार सूबे की सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस को भी लगता है कि इस बार उसका सियासी वनवास खत्म हो जाएगा। इन दावों के बीच दोनों दलों ने नतीजे आने के बाद की स्थिति से निपटने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसे बहुमत मिलेगा। इससे जुड़ी रिपोर्ट मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 90 उम्मीदवारों को पार्टी दफ्तर बुलाया और उन्हें एकजुट रहने के साथ ही विपक्षी दलों के षड्यंत्र से बचने की ताकीद दी। असल में कांग्रेस के बड़े नेताओं को नतीजे आने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होने की आशंका है। यही वजह है कि पार्टी ने उन उम्मीदवारों को सुरक्षित ले जाने की तैयारी में है जिनकी जीत करीब करीब तय है। खबरों की माने तो कांग्रेस ने अपनी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में 50 सीटों पर सीधे तौर पर जीत का आंकलन किया है। इतनी नई रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी ने अभी से सरकार बनाने का खाका खींचना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने इन उम्मीदवारों को बीजेपी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी से भी सचेत रहने की नसीहत दी है। कांग्रेस को अंदेशा है कि बीजेपी और अजीत जोगी तोड़फोड़ में माहिर हैं, लिहाजा वो लालच या धनबल के सहारे विधायकों में फूट डलवा सकते हैं। पार्टी में तोड़फोड़ के अंदेशे को भांपते हुए कांग्रेस ने अभी से ही अपने संभावित विधायकों को टिप्स देना शुरू कर दिया है ताकि 11 दिसंबर को उसके सभी उम्मीदवार एक साथ नजर आएं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।